अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ARY डिजिटल ने साल 2015 में कौन से ड्रामास ऑन एयर किए और कौन से ड्रामास लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप दी हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल दी हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना हर किस न भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल विसाले यार। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल विसाले यार की कहानी मोहब्बत की पेचीदगियों और ऐसे दर्द के बारे में है जो लोगों को मोहब्बत में टूटने के बाद अक्सर अपने दिल में महसूस होता है। इस ड्रामे की कहानी शादीशुदा लड़कियों के लिए काफी दिलचस्प हो सकती है। ड्रामे की स्टारकास्ट में आयशा खान, शहजाद शेख, मरियम नवाज, महावारसी, हसन नियाजी, वसिया फातमा, जैनब कयूम, बहरो सब्जवारी, ताहिरा इमाम और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल नाराज। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नाराज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो जिंदगी के तकरीबन हर रिश्ते से बेजार नजर आता है। इस शख्स के सर पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की धुन सवार है। ये हर वक्त अपने पैसे इन्वेस्ट करता रहता है, रिस्क लेता है और इंतहाई जुनूनी किस्म की तबीयत का मालिक है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि कैसे इसकी लालची और जुनूनी तबीयत को उस वक्त सुकून मिलता है जब इसके काफी सारे स्टॉक्स क्रैश हो जाते हैं और जिंदगी की हकीकत इसके सामने खुल जाती है। ये ड्रामा नजफ बिलग्रामी ने डायरेक्ट किया था और इसे मोहसिन अली ने लिखा था और इसकी तहरीर मोहसिन अली ने लिखी थी। ड्रामे की स्टारकास्ट में फैसल कुरैशी ने हीरो जबकि सारा खान ने हीरोइन का किरदार अदा किया। ड्रामा सीरियल बेकसूर। साल 2015 के आखिर में ARY डिजिटल ने ड्रामा सीरियल बेकसूर ऑन एयर किया, जिसे लिखा था समीना एजाज ने और ड्रामे की डायरेक्शंस सैयद आतिफ हुसैन ने दी थी। इस ड्रामा सीरियल की कहानी में आप ये रियलाइज करेंगे कि चाहे औरत कितनी ही बेकसूर क्यों ना हो, दुख दर्द हमेशा उसी के दामन में गिरते हैं। ये ड्रामा काफी इमोशनल है और समीना पीरजादा की एक्टिंग देखकर आप उन्हें दाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। ड्रामे में साजिद हसन ने शहरयार का किरदार अदा किया जबकि सबूर अली ने शहरयार और सदफ की बेटी का कैरेक्टर किया है। वसीम अब्बास, एमन खान, जवेरिया बासी, सलाहुद्दीन तुनियो और मुनीब भट्ट भी ड्रामे की स्टारकास्ट में शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मुमकिन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुमकिन की कहानी भी हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स के गिर्द घूमती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि कैसे मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले लोग एक ही खानदान में एक दूसरे के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ड्रामे में तानिया नामी एक लड़की है जिसकी पैदाइश यूके में हुई है और यहाँ पर इसके ख्वाबो ख्यालो नजरियात भी ऐसे हैं। जबकि दूसरी तरफ है मुनीब का किरदार जो पाकिस्तान में ही रहना चाहता है। जबकि तानिया और मुनीब की शादी के बाद तानिया चाहती है कि मुनीब उसके साथ यूके में सेटल हो जाए। ऐसे में कौन सुनेगा किसकी बात और क्या इनकी मोहब्बत हो सकेगी मुमकिन या फिर इनकी राहें हो जाएंगी अलग। ड्रामे की स्टारकास्ट में सारा खान, जुनेद खान, साजिद हसन, इसरा गजल, यासिर मजहर, फरा शाह, ताहिरा इमाम, सादिया फैसल, शाजिया कैसर और असद सिद्दीकी शामिल थे। ड्रामा सीरियल खिलौना। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खिलौना की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में तवाजन बहुत जरूरी है। ना ही इंसान ज्यादा गरीब होना चाहिए और ना इतना अमीर कि अपने रिश्तों का पास ही ना कर सके। ड्रामा सीरियल की कहानी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की हीरा के गिर्द घूमती है, जबकि दूसरी तरफ है उमर जो खुद तो दिल का बहुत सच्चा है। वो हीरा से शादी भी करना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है, लेकिन क्या किया जाए उमर की वालिदा का जो कि काफी ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस है, चाहती है कि लड़की किसी अमीर घराने से ब्याह कर आए। ऐसे में ये कहानी उस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब दिल सच्चा रखने वाला बेटा और लालची दिमाग रखने वाली माँ का आपस में टाकरा होता है और हीरोइन या फिर माँ किसकी जीत होगी। नाजरीन को हर वक्त यही धड़का लगा रहा। ड्रामे में शामिल थे गौहर रशीद, अरीज फातिमा, अलीसे रसूल, जेबा बख्तियार, शाहीन खान, अदनान जाफर, निर्वाण नदीम, हंजला शाहिद और दीगर अदाकार। ड्रामा सीरियल पेवंद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल पेवंद में सना जावेद ने सामिया नामी लड़की का किरदार अदा किया है। इसकी माँ काफी ज्यादा डिस्टर्ब है
और ये अब एक और शख्स के साथ रहती है, क्योंकि इसकी पहली शादी टूट चुकी है और दूसरी शादी के नतीजे में इसे जो शख्स मिला है वो उसकी बेटियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जबकि ये लड़कियां उसे अपना बाप समझती हैं। इस ड्रामे की कहानी उस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी जब दोनों लड़कियां अपने हकीकी बाप को याद करती हैं। ड्रामे में माँ का किरदार ऐसा है कि देखकर सभी को गुस्सा आया। ड्रामे की दीगर कास्ट में अहमद अली अकबर, अंबर वाजिद, गौहर टशीद, नाजिल नासिर, साजिद हसन, सना जावेद और शहरयार सैदी शामिल हैं। बात करते हैं एक एक्साइटिंग ड्रामा सीरियल की जो साल 2015 में ARY डिजिटल से ऑन एयर हुआ और लोगों के लिए एक एवरग्रीन मेमोरी बन गया। ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे अजनबी की स्टार कास्ट में फरहान सईद और उर्वा हुसैन को कास्ट किया गया। ये दोनों हकीकी जिंदगी में भी आपस के बेहद करीब थे और फिर इनकी शादी ने इस ड्रामे को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। आज तक अगर इन दोनों एक्ट्रेस के एक साथ ड्रामास की लिस्ट आती है तो उसमें मेरे अजनबी टॉप पर होता है, जहां इन दोनों को एक साथ कास्ट किया गया था। इस ड्रामे की कहानी अगरचे किसी फैंटेसी से कम नहीं है, लेकिन ड्रामा काफी इंटरटेनिंग था। ड्रामे में फरहान सईद, उर्वा हुसैन, सबा हमीद, अहमद हसन, फिरदौस जमाल, वसीम अब्बास, हुमा नवाब और दीगर अदाकार शामिल थे। इस दिलचस्प ड्रामा सीरियल का स्क्रिप्ट साइमा अकरम ने लिखा था और इसे अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया था। ड्रामा आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के तहत पेश किया गया। ड्रामा सीरियल दिले बर्बाद। वैसे तो आजकल के जमाने में हर दूसरा दिल ही बर्बाद है, लेकिन ड्रामा दिले बर्बाद की कहानी कुछ मुख्तलिफ है, जिसमें दो लड़कियां बचपन में ही अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाती हैं और यतीमी के दुख उन्हें दरबदर कर देते हैं। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि इंसान के सर पर जब माँ बाप का साया नहीं होता तो ये दुनिया कितनी ही वहशी और जालिम हो जाती है। ड्रामे की कहानी में दो बहनें रानिया और हानिया हैं, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। और इनके एक चचा हैं जो एक मुख्तलिफ शहर में रहते हैं। वो इनकी हिफाजत तो करते हैं, लेकिन जो बात बाप की शफकत में होती है वो किसी और में कहां। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में मरियम अंसारी, महमूद अख्तर, अनम तनवीर, इमरान असलम, फैसल कुरैशी, फरा अली, फजीला काजी और संगीता शामिल थे। ड्रामा सीरियल खातून मंसिल। ARY डिजिटल हमेशा से ही खवातीन के लिए ऐसे इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग ड्रामास ऑन एयर करता है कि हर ड्रामा देखने वाला शख्स इनकी स्टोरी लाइन और कमाल डायरेक्शन की दाद जरूर देता है। इस ड्रामा सीरियल की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प थी, जिसमें संजीदा खातून जो कि अपने खानदान की हेड है और खुद को किसी रियासत की मलिका समझती हैं। अब खातून मंजिल का ये मतलब हरगिज नहीं कि इस ड्रामे में आपको खवातीन की मजलूमियत की कहानियां सुनाई जाएंगी। ये ड्रामा बिल्कुल मुख्तलिफ है, इतना इंटरटेनिंग है कि शायद ही आपने इससे पहले कोई ड्रामा ऐसा देखा होगा। इस ड्रामा सीरियल में खवातीन राज दिखाया गया है, जहां खानदान में हर छोटे से बड़ा फैसला संजीदा खातून के हाथों होता है। इस ड्रामा सीरियल की दीगर कास्ट में शामिल हैं कवि खान, शबीर जान, इसरा गजल, राशिद फारूकी, जेबा शहनाज, कैफ गजनफी, शाहिद नकवी और दीगर अदाकार। बात करते हैं एक और सुपरहिट ड्रामा सीरियल एतराज की। ड्रामा सीरियल एतराज की शुरुआत शादी के सीन से हुई थी। ड्रामे की कहानी में आप देखेंगे कि अरसलान की शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ हया की शादी रमीज से हो रही है और इसके दिल में भी अपने शाहर के लिए किसी किस्म की कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यानी कि मुख्तसरन ये कि दो शादियां ऐसी दिखाई जाएंगी जिनमें दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। ऐसे में जब हर तरफ एतराज ही हो तो फिर दोनों लोग एक दूसरे को कैसे कबूल करेंगे। जबरदस्ती की शादियों का अंजाम अगर आप अपने बड़ों को दिखाना चाहते हैं तो ये ड्रामा उन्हें जरूर दिखाइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में फराह नदीम, गौहर रशीद, हाशिम भट्ट, इमरान अब्बास, जहांजेब खान, जिनान हुसैन, मिनाल खान, सबा फैसल, सना जावेद, सानिया सईद, शमीम हिलाले और शहरयार सैदी शामिल थे। तो व्यूअर्स, इन सभी ड्रामास में से आपको कौन सा ड्रामा कमाल का लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि आप ये वीडियो छोड़कर जाएं, वीडियो को आखिर में लाइक जरूर कर दीजिए
और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।